अमेरिका ने लिया अपने दुश्मनों से बदला, क्या पीएम मोदी भी बना रहे हैं कोई बदले का सुपर प्लान? 2021 में हाफिज के करीब पहुंच गया था भारत, मगर क्या इस बार पूरा बदला ले लेगा इंडिया? आईबी, रॉ, आर्मी, वायुसेना सब अलर्ट पर हैं। मोदी ने क्या वाकई कोई प्लान बना लिया है? कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक बार फिर से भारत को बताना होगा दुनिया में उसकी ताकत क्या है। भारत के हर शहीद सैनिकों का बदला एक बार फिर से लेना होगा और पाकिस्तान में घुसकर अपने चार दुश्मनों को निपटाना होगा। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन भारत ऐसा कर सकता है। अमेरिका ने अपने दुश्मनों को 22 साल बाद भी मार गिराया, तो फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आज आपको ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे साफ पता चल जाएगा कि पीएम मोदी कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। कहते हैं किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग होल्ड पर रख दिए जाते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ में सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग होल्ड पर है। रॉ, आईबी और एनआईए सबकी कमान ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में है और वो किसी मिशन पर काम कर रहे हैं। रॉ चीफ सामन गोयल के नेतृत्व में 2021 में एक टीम बनी थी, वो टीम जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद हाफिज के करीब तक पहुंच गई थी। हालांकि वो मिशन कामयाब नहीं हो पाया था। पिछले 40 साल में सामन गोयल ऐसे रॉ प्रमुख हैं जिनको सबसे लंबे वक्त तक इस पद पर रखा गया। जून 2022 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो सरकार ने रिटायरमेंट के बाद इन्हें फिर से एक साल रॉ प्रमुख बना दिया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कोई बड़े मिशन पर काम हो रहा है और जो बाकी हैं उन्हें सरकार हटाना नहीं चाहती। साल 2019 याद कीजिए, जब पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब इनकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद से मोदी सरकार ने इन्हें रॉ प्रमुख बनाया, यहाँ तक कि गोयल की नियुक्ति के लिए सीनियर अधिकारी आर कुमार को दरकिनार कर दिया गया और जब रिटायरमेंट की बात आई तो सरकार ने इनका एक साल कार्यकाल और बढ़ा दिया, जिससे ये संकेत मिलता है कि सरकार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। अजीत डोभाल की तरह ही सामन गोयल को भी पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है और आतंकी कनेक्शन को ब्रेक करने के मास्टर भी ये माने जाते हैं। मोदी सरकार जिन भारत के चार दुश्मनों को ढूंढ रही है उसमें से एक से बढ़कर एक नाम है। दुश्मन नंबर एक देखिए, कश्मीर की मांग करने वाला आतंकी सैयद सलाहुद्दीन। दुश्मन नंबर दो, दुनिया के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का 30 साल से इंतजार। दुश्मन नंबर तीन, मौलाना मसूद अजहर, जिसे कंधार विमान अपहरण के वक्त छोड़ा गया था। दुश्मन नंबर चार, हाफिज सईद, वो जानी दुश्मन जिसे भारत छोड़ेगा नहीं। अगर सैयद सलाहुद्दीन को मार दिया जाए तो कश्मीर की समस्या 90% तक खत्म हो जाएगी। ये कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजीबुल सरगना ही कश्मीर में आतंकी तैयार करता है, जबकि हाफिज को पकड़ लिया जाए तो बड़े आतंकी हमले बंद हो जाएंगे। ये आतंकियों का आका जो है। मौलाना मसूद अजहर की बात करें, भारत में कट्टरता फैलाने का नंबर वन खिलाड़ी है, स्लीपर सेल तैयार करता है और हाँ, कंधार हाईजैक के बाद इसे छोड़ने का दर्द भी तो अभी बाकी है, इसलिए इसे फिर से इंडिया लाने की जरूरत है। इसका पता भी अजीत डोभाल के पास है, जबकि डॉन दाऊद को पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत को काफी चोट दे चुका है और अभी भी इसका दिमाग भारत के खिलाफ ही चलता है। इन चारों आतंकियों को मार गिराना भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत को हमेशा आतंक के साए में लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सवाल ये कि क्या पीएम मोदी भी अब बदला लेंगे? अमेरिका की तरह अपने दुश्मनों का हिसाब चुकता करेंगे पीएम मोदी? और क्या वाकई में भारत में भी बन रहा है दुश्मनों के लिए कोई बड़ा प्लान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।